संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर आरपी गौतम ने शुक्रवार को 2 साल पूर्व तैनात चिकित्सक द्वारा फर्जी मेडिकल बनाए जाने की शिकायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतर्रा जांच में पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था के साथ ही दवाइयों की उपलब्धता का हाल जाना एवं प्रसव कक्ष का विधिवत निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर लैब सहित मौजूद उपकरणों में गंदगी व प्रसव कक्ष में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग न होने व मास्क की अनुपलब्धता पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाई कि जमकर क्लास भी लगाई। संयुक्त निदेशक शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। फर्जी मेडिकल करने की शिकायत भोला राम पुत्र राम प्यारे पर जांच करने पहुंचे। शिकायत की जांच उपरांत अस्पताल में मौजूद अभिलेखों सहित परिसर का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में गंदगी देखने को मिली। स्टॉक रजिस्टर, इमरजेंसी रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर का अवलोकन किया। इमरजेंसी रजिस्टर में मरीजों का सही तरीके से उपचार न लिखने पर फटकार लगाई। प्रसव कक्षा में निरीक्षण के दौरान मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रयोग करने की जानकारी डॉक्टर व स्टाफ नर्स को दी, जिस पर कोई भी उसके प्रयोग की जानकारी नहीं दे सका एवं बीते 6 माह से उसका प्रयोग भी नहीं किया गया। कक्ष में ऑक्सीजन मास्क के न होने व बेबी वार्ड में मशीन खराब हो जाने पर नाराजगी दिखाई। शासन द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के भुगतान पर भी लेट लतीफ देखा। अस्पताल में दुर्व्यवस्थाओं पर संयुक्त निदेशक नाराज दिखाई दिए। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देव तिवारी की जमकर क्लास लगाई। ड्यूटी के दौरान चिकित्सक व कर्मियों को ड्रेस में रहने की हिदायत दी। बहुत एक तो अस्पताल में हैं, प्रभारी मेडिकल अफसर से पूछा गया तो बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की कमी है। एक ही सफाई कर्मचारी है, उसके भी चोट लगी हुई है। तो आज तो सफाई व्यवस्था बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में है। लेबर रूम भी ठीक नहीं है व्यवस्था। क्या सर वित्तीय अनियमितता भी देखने को मिली है यहाँ पर? नहीं, वित्तीय अनियमितता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्रभार है ही नहीं है। वित्तीय अधिकार तो वहाँ पे डिप्टी सीएमओ के पास है बांदा में। जी सर, और किसी प्रकार की कमी है सर यहाँ? नहीं, हम तो यहाँ पे आज मेनली जो है औचक निरीक्षण और उसका लिए एक पुराना जो है मेडिको लीगल की जांच के लिए, पिछले साल 18 का एक मेडिको लीगल की शिकायत थी, रिपोर्ट के फर्जी बनाई गई है, उसकी जांच के लिए आए थे। तो वो सब हमने देख लिया है। घायलों को और बुलवाएंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे। ओके सर, थैंक यू।